सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ साबूदाने के वड़े। देखिए ये 200 ग्राम साबूदाना है, मैंने इसको 2 घंटा पहले इसको पानी में भिगा कर रखा था, फिर अभी मैंने इसको पानी को निकाल कर इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये 3 बड़े बड़े आलू है, इसको मैंने बॉईल करके मिक्स कर लिया है, इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, बारीक काट के मैंने रखी हूँ हरी मिर्च, थोड़ी सी बिल्कुल एक इंच का टुकड़ा मैंने अदरक काटा है वो मैंने इसमें मिलाया है, और थोड़ा सा हरी धनिया मिला रही हूँ, थोड़ा 2-4 कड़ी पत्ते वो भी मैंने इसमें डाला है। कड़ी पत्ते बड़े अगर है तो इसको बारीक कर लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, मैं 2 छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, मर्जी आपकी। मैं नमक डाली हूँ, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा डाली हूँ, और ये मैंने मूंगफली को भून कर पीसी हूँ, तो ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा बारीक, थोड़ा सा मोटी मोटी मैंने भी करी हूँ अलग, ये भी मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा मोटी मोटी जो है कुरकुरे दांतों में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इन सबको मिलाना है, सबको मैं हाथ से मिला लूंगी। देखिए हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसमें जो है टिकिया बनाऊंगी, हाथ में हल्का सा तेल लेके कुछ इस तरह से। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैंने तेल ऑलरेडी पैन में गरम किया था, इसको शैलो फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा तेल भी नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग इसको डीप फ्राई करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़े कम तेल में शैलो फ्राई करूंगी। देखिए अभी से कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है, ये फ्राई हो जाएगा। ये मैंने इसको पलट दिया है, दूसरी साइड में इसको भी फ्राई कर रही हूँ। देखिए ऊपर ये कितना गोल्डन, कितना क्रिस्पी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस होता है। अब ये गरम गरम मैं आपको सर्व करती हूँ। हमारा साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हो गया है, देखिए कितना टेस्टी और कितना क्रिस्पी दिख रहा है। आप भी ट्राई कीजिए इसको बनाने के लिए, और खाइए आप, इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।